हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि दो रिकॉर्ड्स यानी कि दो क्वेरीज को हम कैसे एक साथ कर सकते हैं, यानी कि दो क्वेरीज को हमें एक साथ करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहां से हम डिजाइन व्यू पे चलते हैं और यहां पर कुछ नाम दे देते हैं इस टेबल को और यहां से आईडी आ रही है, ठीक है। मैं आईडी ही रहने देता हूं। यहां पे देंगे हम नेम, तो एन ए एम ई नेम लिख दिया हमने और नेम जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, तो यहां टेक्स्ट दे दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं फादर्स नेम, तो यहां दे दिया हमने फादर्स नेम। तो फादर्स नेम देने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप रखना है और इसको हम करते हैं यहां से व्यू पे क्लिक और इसको करते हैं हम यस, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें नजर आएगा। देन हमें क्या करना है, वापस क्रिएट पे जाना है, टेबल पे जाना है, ठीक है। तो टेबल पे जैसे जाएंगे यहाँ सेकंड टेबल इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ फिर वापस जाइए व्यू पे, डिजाइन व्यू पे जाइए और यहाँ पे कोई नाम क्वेरी टू हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेरी टू देने के बाद, क्वेरी वन टू देने के बाद इंटरफेस करता हूं और यहां पर अब दूसरा हमको इसके बाद हमें जो चीजें जोड़नी है वो चीजें हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे हम देंगे मदर्स नेम और यहाँ पे देंगे एड्रेस ऑल्सो, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। तो ये दो चीजें हमको एक्स्ट्रा उस फील्ड में ऐड करनी है, मतलब एक साथ लेके आना है, वो पहले वाले टेबल को और दूसरे वाले टेबल को, दोनों को एक साथ लेके आना है, ठीक है। क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, तो इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। आइए इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे मदर्स नेम है तो मदर्स का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे ऐड कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस ऐड कराते हैं, ओके। और पहले वाले रिकॉर्ड को देखते हैं, यहां पे नेम देना है, तो ये जिसका भी नाम है उनके फादर्स का नाम और उनका नाम, ये दोनों इस वाले टेबल में है, ठीक है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा कर देता हूं मैं यहां पे, तो ये इस वाले टेबल में है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और बाकी का डिटेल उनका इस वाले फील्ड में है, यानी कि आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड यहां पे एंटर करवाता हूं, ठीक है। यहां पे कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी मां का नाम जो भी है यहां पे डाल देते हैं हम, यहां पे दे दिया हमने सीमा यादव और यहां पे उसका एड्रेस डाल देता हूं मैं, न्यू कॉलोनी देवरिया, तो ये दे दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे पहले वाले टेबल में और यहां पर उस स्टूडेंट का नाम देंगे जिस स्टूडेंट की मां का नाम हमने लिखा है, तो यहां पे लिख देता हूं राहुल यादव, ठीक है। इसके बाद यहां पे उनके फादर्स का नेम दे देंगे संतोष यादव, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको क्लोज, ठीक है, सेव करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। दोनों को क्लोज और सेव कर देते हैं यहां से, तो ये सेव हो गया हमारा। अब क्रिएट पे चलेंगे, हमको जाना है क्वेरी डिजाइन पे, क्योंकि हमने कहा था आपसे कि आपको क्वेरी, दो क्वेरीज को एक साथ लेके आना या रिलेशनशिप क्रिएट कराने के बारे में मैं बताऊंगा, दो क्वेरीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं। तो चलिए यहां पे क्लिक कीजिए और सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए, देन यहां से क्लोज करिए इसको, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इन तीनों के अलावा ये दोनों चीजें भी हमें चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहां पर क्लिक करेंगे और इन सब चीजों को यहां पे इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। पहली चीज, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरा, यानी कि फादर्स नेम तक हमने इंसर्ट करा लिया। अब चौथी चीज हमको यहां से चाहिए, तो यहां पे क्लिक करते हैं मदर्स नेम और फिर एड्रेस, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। यहां पे क्लिक कीजिए रन पे, तो ये सारी चीजें देखिए एक साथ होके आ रही है। अब आपको नया रिकॉर्ड जब भी एंटर करना है तो आप वहीं पर जाकर एंटर कर सकते हैं बहुत ही इजिली, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसकी माँ का नाम यहां एंटर करना है, तो यहां एंटर कर देता हूं मन्नू देवी, इंटर कर दिया हमने और यहां एड्रेस इंटर कर देता हूं, ठीक है, उमा नगर देवरिया। अब यहां पर उस स्टूडेंट का नाम और उसके फादर का नाम यहां पे ऐड करते हैं और यहां फादर का नेम ऐड कर देते हैं, फादर का नाम रोहन प्रजापति डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं यहां से। अब देखते हैं इसका जो हमने किया है, जो एंटर किया है, वो रिकॉर्ड जो है अपडेट हुआ है या नहीं। तो क्वेरी पे चलता हूं मैं इसको क्लोज करता हूं पूरा। अब हम वापस चलते हैं, एक्सेस को ओपन करते हैं और यहां से देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड था वो अपडेट हुआ है या नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेरी है, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहां देखिए ये रोहन प्रजापति, ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार करके दिखाता हूं यही काम। अब जैसे इस बार तो हम क्वेरी टू में
करेंगे जो, और पहले हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं यहां पे, तो यहां पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट का नाम मैं लिख रहा हूं नवनीत, ठीक है, और इनके फादर का नाम कुछ भी दुर्गेश कुमार, मदर का नाम यहां पे दे देंगे। अब देखिए ये हमने पहले टेबल का रिकॉर्ड इंटर करवाया है, ठीक है, अब दूसरे टेबल का रिकॉर्ड इंटर करवाने की बारी है, तो टेबल हमको कहां जाना होगा, यहां पे जाना होगा क्वेरी टू में, तो यहां पे अब उनका रिकॉर्ड इंटर करवाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, संतोषी देवी और यहां पे एड्रेस उनका, ओके, अब इसको सेव करते हैं यहां से, यस करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं और दो क्वेरीज को हम कैसे एक साथ कर सकते हैं। यहां से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आपको जो करना है यहां से कर सकते हैं। इसको फॉर्म व्यू में ले सकते हैं हम, और फॉर्म व्यू में भी हम सेम काम करके देख सकते हैं, जैसे हमने इसको लिया है, ठीक है। अब हम फॉर्म व्यू में आ चुके हैं, फॉर्म व्यू में भी मैं करके आपको दिखाता हूं कैसे हम ये कर सकते हैं। पहले मैं डिजाइन व्यू में चलता हूं, ठीक है, और यहां से इसको थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं, सही से इसको अरेंज वे में बना देता हूं। तो यहां से इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्वेरी वन के जगह अपडेशन रिकॉर्ड कर देते हैं, अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड, अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टू क्वेरीज, टू क्वेरीज, अपडेशन ऑफ टू क्वेरीज, क्वेरीज। अब यहां पे एक बटन भी छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, मेल है या फीमेल है, इसके लिए एक बटन बना लेते हैं हम। कैसे बनाएंगे, रेडियो बटन बनाता हूं मैं, आप चेकबॉक्स भी बना सकते हैं, यहां पे क्लिक कीजिए और यहां से एक रेडियो बटन मैंने बना लिया है, देखिए, तो ये ऑप्शन बटन आ चुका है, इसको हम ऑप्शन बटन बोलते हैं, ठीक है। एसक्यूएमएल में आप इसे रेडियो बटन बोलेंगे, यहां ऑप्शन बटन बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं मेल, एम ए एल ई, ठीक है, और इसके बाद एक और बटन हम बनाएंगे रेडियो बटन, जो फीमेल के लिए होगा, तो यहां पे मैं कर देने वाला हूं फीमेल, तो कर देते हैं फीमेल, तो इस ऑप्शन बटन को थोड़ा, तो ये दो बटन हमने बना लिए हैं, इसको थोड़ा और नीचे लेके आते हैं, ठीक है, अब ये हो चुका है, और थोड़ा सा बड़ा साइज की थोड़ी सी बढ़ा लेंगे बस, तो ये हो गया मेल और फीमेल का, दोनों बटन हमने क्रिएट करा लिया बहुत ही इजीली, ठीक है। अब आपको रिकॉर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए भी बटन हम बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए मेल और फीमेल भी यहाँ से आप चूज कर पाएंगे, और इसको थोड़ा डाउन कर लेता हूं ताकि ये भी आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पर जो भी आप रिकॉर्ड्स ऐड कराएंगे ना, वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे क्वेरी टू में कोई रिकॉर्ड ऐड कराना है हमें, तो यहां से ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब हम चलेंगे यहां से क्वेरी वन में, तो क्वेरी वन में आ गए, और इनका नाम क्या है, ये जो स्टूडेंट है आयुष, और इनके फादर का नेम है गौरव, बस यादव, ठीक है। तो अब हमने ये कर दिया, अब यहां से इसको करेंगे सेव, ठीक है, तो ये सेव हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करने की बात है, ठीक है, अपडेट ये अपने आप हो चुका है, हमें जरूरत नहीं ये बताने की कि ये अपडेट हुआ है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, मैं इसको अगर क्लोज कर दूं यहां से डायरेक्टली, तो ये क्लोज तो हो जाएगा लेकिन ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। कैसे अपडेट हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे क्लिक किया हमने, हमारा रिकॉर्ड यही था, इस पर क्लिक किया हमने, और हमको कहां जाना है, क्वेरी वन में। तो यहां देखिए क्वेरी वन का पूरा रिकॉर्ड जो है यहां पे अपडेट होके आ रहा है, सारा रिकॉर्ड, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कैसे ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हम इसको फॉर्म व्यू में लेना चाहेंगे तो ये फॉर्म व्यू में अभी हम लेकर के यही काम कर पाएंगे। यहां मोर फॉर्म्स पे चलते हैं हम, ठीक है। आप यहां से अब देखिए अब कौन से स्टाइल में आपको चाहिए, मैं फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करता हूं, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आईडी, चाहिए नेम, चाहिए सब कुछ चाहिए, तो यहां पे क्लिक कीजिए, एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा। और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहां पे आपको डेटा किस फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, डेटा शीट फॉर्म में चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, कॉलमर फॉर्म में। तो मैं टेबुलर फॉर्म में अगर कर दूंगा तो टेबल के फॉर्म में आएगा ये, और इसको हम किस कर सकते हैं आप एपेक्स ऊंचाई, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां पे आप फिनिश पे करना है क्लिक, तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। ये हमारा सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कैसे ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम फॉर्म व्यू में हम हैं अभी, तो ये इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं इसको सारे रिकॉर्ड को। यहां से देखिए आप, एक एक रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
अब हम इसके लिए बटन बना डिजाइन व्यू करते हैं और डिजाइन व्यू में जाने के बाद इसको थोड़ा नीचे तक, ठीक है, ताकि यहां पे हम बटन बना सके। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट का बटन बनाना है, तो नेक्स्ट के बटन के लिए यहां पे क्लिक करेंगे और इसको यहां से ड्रैग करवा दीजिए बस आप। ठीक है, और यहां से देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन इसमें आ रहा है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहां पे क्लिक कीजिए और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बन जाएगा। हम यहां पे टेक्स्ट लिखेंगे, दैट्स व्हाई हम टेक्स्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कीजिए और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बन करके तैयार है। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करें तो टेक्स्ट का कलर भी यहां से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे वापस क्लिक कीजिए तो ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन आ चुका है, यहां सारे जगहों पे नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन आ रहा है। जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहेंगे आप यहां से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा पाएंगे, देखिए ये राहुल, ठीक है, फिर यहां देखिए नवनीत, ये सारे जगह आया हुआ है। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं है कोई। ठीक है, हमने क्या किया है, हर जगह रिकॉर्ड क्रिएट करा है। जैसे यहां पे शिव मिश्रा पे हूं मैं, तो सेकंड पे क्लिक करूंगा तो राहुल पे चला जाऊंगा, तो ये देखिए ये बटन अपने आप यहाँ पे आ गया, मूव हो गया। अब यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो सोनू प्रजापति पे आ जाऊंगा, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे नीचे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर अपने आप आता जाएगा ये सारा रिकॉर्ड। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हम बना सकते हैं बहुत ही इजिली। उम्मीद करता हूँ ये क्वेरी वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।